तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए, बहुत ही क्यूट लग रहा है ना। बिल्कुल दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है, चाहे वो बच्चे हो या चाहे बड़े हो, सभी को ना ऐसी वीडियोस देखना ना बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों इस तरह के वीडियोस ना आजकल ना बहुत ही ट्रेंडिंग में है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम या फेसबुक, हर जगह पे ना आपको ये वीडियोस दिख जाएगी। और इंस्टाग्राम पर ना दोस्तों ऐसी वीडियोस मुझे ना भर भर कर दिखने को मिल रही है। और दोस्तों इस तरह की वीडियोस पर ना व्यूज की तो बात ही छोड़ो, भर भर के व्यूज आ रही है, व्यूज की तो कोई कमी ही नहीं है। और दोस्तों इस वीडियो में ऐसे वीडियोस कैसे बना सकते हो वो भी अपने मोबाइल में। और दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट है या फिर कहीं पर जॉब करते हैं या हाउसवाइफ है, उनके लिए ना बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। चाहे तो आप ऐसे चैनल के एडवर्टाइज पर ना पार्ट टाइम भी आप काम कर सकते हो, इसको फुल टाइम देने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको यूट्यूब पर वीडियोस बनाना अच्छा लगता है ना तो आपके लिए बहुत ही शानदार आइडिया है, क्योंकि इस पर ना ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। दिन में ना दोस्तों ऐसे 5-5 भी वीडियोस आप बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और इस तरह के चैनल बनाकर ना दोस्तों अच्छा खासा रेवेन्यू भी वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और बहुत ही सिंपल आइडिया, इसी वजह से दोस्तों आप इस पर ना पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए और स्किप मत करिए, ठीक है। अगर दोस्तों आप वीडियो को स्किप करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह के वीडियो ना आप खुद के बना सकते हो। तो दोस्तों मैं सारी बातें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, वीडियो कैसे बना सकते हो, इसके लिए आपको इमेज चाहिए या फ्रॉम से ही बना सकते हो या इसके लिए कोई एप्लीकेशन की जरूरत है, तो सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो बनाकर भी दिखाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल आइडिया है, ठीक है। तो चलिए हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे दोस्तों हम दो AI टूल से ना वीडियो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक है क्लिंग AI और दूसरी वेबसाइट है दोस्तों हाइपर AI वीडियो जनरेटर, ठीक है दोस्तों। इन दोनों भी वेबसाइट में आप क्रिएट कर सकते हो। क्लिंग AI जो टूल है ना उसमें लॉग इन करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, इस वजह से दोस्तों क्लिंग AI में मैं वीडियो जनरेट ना करते हुए यहाँ पे मैं आपको हाइपर AI वीडियो जनरेटर में यहाँ पे आपको मैं ऐसी वीडियोस जनरेट करके बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सर्च हाइपर AI देख सकते हो, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद ना यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। और इसमें ना और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको, अगर आपने लॉग इन नहीं करके रखा है तो आपको यहाँ पे लॉग इन करने के लिए बोलेगा। और लॉग इन करने में बहुत ही सिंपल तरीका, जो भी आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाई देगा तो उससे जिस भी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है उस ईमेल आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। इसमें ना बहुत ही एडवांस फीचर है, यहाँ पे देखो टेक्स्ट टू इमेज, यहाँ पे ना टेक्स्ट डालकर आप उसकी इमेज भी जनरेट कर सकते हो, जो भी आप सोच रहे हो ना उस तरह की यहाँ से आप इमेज भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई। और यहाँ पे इमेज टू वीडियो, कोई इमेज यहाँ पे अपलोड कर दे तो अगर इसके आप इमेज से वीडियो बनाना चाहते हो ना तो वो भी यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें एक टेक्स्ट लिखना है और उससे हमें जो स्मॉल एलिफेंट उसकी बेबीज है ना उसका हमें यहाँ पे वीडियो बनाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें अपना प्रॉम्प्ट डाल देना है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे ध्यान देने वाले बात, यहाँ पे जो दो डॉट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा नीचे आने के बाद ना यहाँ पे देखो ये जो रेशो है ना, यहाँ पे ध्यान से आपको रेशो सेलेक्ट कर लेने, ये रेशो जो है ना ये बड़े वीडियोज की रेशो है, ठीक है। जो शॉर्ट की रहते हैं ना तो ये नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है ना थोड़ा इधर, यहाँ पे देखो तो ये 9:16 रेशो है ना, यहाँ पे सेलेक्ट करके रखो, ठीक है। ये शॉर्ट की रेशो है और यहाँ पे ऊपर भी HD में ही रखना है, ठीक है। तो ये इतना यहाँ पे सेट करने के बाद ना यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। और ओके करने के बाद यहाँ पे नीचे देखो जनरेट पे क्लिक कर देना है। अगर आपका नेट अच्छा रहेगा ना तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। तो जब तक ये वीडियो जनरेट हो रहा है तब तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, जहाँ पर भी ऐसी बहुत ही अच्छी वायरल वीडियोस हो रहे हैं ना वो वीडियोस लेकर अपने चैनल पर आता हो दोस्तों, ताकि आप इस तरह की वीडियोस बना आपके चैनल की ना अच्छी खासी ग्रोथ मिल सके। इस वजह से ना मैं अच्छे आइडियाज लेकर आता हूँ अपने चैनल पर। तो दोस्तों इसके लिए ना बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे चेक हमारे वीडियो कैसे बन चुका है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा वीडियो लग रहा है दोस्तों, आप भी ऐसी वीडियो बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूरा काम खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ पे अभी इसकी एडिटिंग बाकी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि आप इस हाइपर AI का ना यहाँ पे लोगो आ रहा है, ठीक है। तो ये लोगो भी आप कैसे हटा सकते हो ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो ना आप इंस्टाग्राम पर, अगर डायरेक्ट ही आप इंस्टाग्राम पर डालते हो तो कोई भी यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। यूट्यूब वालों के लिए मैं आगे बताऊंगा यूट्यूब पर आप कैसे इसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और भी अच्छा बनने के लिए मैं आगे यहाँ पे बताने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ डाउनलोड करके अपने गैलरी में लेना है ना, तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद ना ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको और एक बात बता दूँ, यहाँ पे ना 4-5 सेकंड का ही वीडियो बनता है। अगर आपको ज़्यादा समय ज़्यादा बड़ा वीडियो चाहिए ना तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं,
इतना ही काफी है शॉर्ट वीडियोस के लिए, ठीक है। तो मैंने जितनी सारी शॉर्ट वीडियोस ऐसे देखे है ना, तो 5 सेकंड 4 सेकंड इतने की आपको भी बड़ा हीरो बनाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे हीरोज पर ना व्यूज बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इस वीडियो से आप इनकम नहीं कर सकते, ये छोटे हीरो से भी आप इनकम कर सकते हो। शॉर्ट में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि कितनी सेकंड की वीडियो है, ठीक है। एक भी वीडियो अगर अच्छा खासा चल जाए ना, तो आपको इससे ना बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूज भी आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुका है, अभी इसकी ना एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने के लिए ना आपके पास जो भी एप्लीकेशन है ना, उससे आप एडिटिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको काइन मास्टर में एडिट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे काइन मास्टर ओपन कर लेता हूँ। अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पर डालना चाहते हो, मतलब इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, तो वहाँ पे ज्यादा एडिटिंग की जरूरत नहीं होती, ना ही वहाँ पे आपका वॉइस देने की जरूरत होती है, और ना ही वहाँ पे आपका वहाँ पे वीडियो लगाने की जरूरत है, ना ही वहाँ पे आपका आवाज देने की जरूरत है। लेकिन यूट्यूब पर अगर आप डालते हो ना, तो वहाँ पे आपका खुद का वीडियो ही चाहिए होता है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होता है। और हम खुद का वीडियो कैसे बना सकते हैं? अगर आपने किसी दूसरे का भी वीडियो ले लिया है, लेकिन वो खुद का बनाने के लिए ना उस पर थोड़ी एडिटिंग, खुद का कुछ तो काम होना चाहिए, यूट्यूब को लगना चाहिए कि हाँ, इस बंदे ने कुछ मेहनत की है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अभी ये जो वीडियो हमने एआई से जनरेट किया है, ठीक, इस वीडियो को भी हमें अपना बनाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा वॉइस देना है। अगर वॉइस नहीं दोगे भी तो भी चलेगा, थोड़ा सा हमें उस पर ना एडिटिंग करके हमारा उस पर ना फेस ऐड कर देना है, ताकि वो हमारा वीडियो हो जाए और चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। तो हमारे चैनल पर कोई प्रॉब्लम ना आए इसकी वजह से। तो चलिए, मैं 9x16 रेशो, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सबसे पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लो, एक बैकग्राउंड कोई भी ले लो, ठीक है। तो हमने ये बैकग्राउंड ले लिया, और फिर लेयर में जाके यहाँ से जहाँ पर आपने वीडियो डाउनलोड करके रखा है वो वीडियो ले लो, ठीक है। तो मैंने कुछ 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो एक ये ले लेता हूँ मैं, इसको ओके कर देता हूँ, और एक ले लेता हूँ। चाहे तो आप एक भी ले सकते हो शॉर्ट वीडियोस ना, 10 सेकंड का भी, जितने कम हो गए उतनी ज़्यादा वायरल होने की संभावना होती है। तो ये 4 सेकंड का है, तो मैंने और भी कुछ बना के रखे, तो मैं यहाँ पे 10 सेकंड का 20 सेकंड का, चाहे तो आप इतने भी बना सकते हो, 1 मिनट के अंदर का शॉर्ट आप बना सकते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे और एक वीडियो लेते थे, तो ये 2 महीने वीडियो ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड तो ज्यादा हो रहा है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों, हमने ये वीडियो जिस एआई में बनाया है ना, उसका यहाँ पे लोगो दिख रहा है, ठीक है। तो अब इस लोगो को हम कैसे हटा सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे सिंपल आइडिया बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर देना है आपको। वीडियो पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद ना, इस वीडियो को ना थोड़ा सा ऊपर से ना, यहाँ पे देखो, बस इस तरह से थोड़ा सा इस जहां से ये एआई का नाम है ना, वहां तक इसको क्रॉप कर लेना है, क्योंकि ये हट जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये हट चुका है, अब इसको सेट कर लेना है अच्छे से। ये नाम भी हट चुका है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहीं भी उसका लोगो नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने पहले बना के रखा है, थोड़ा सा ना इस वीडियो में ना थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यही मूवमेंट ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ का लोगो भी हट चुका है, और यह हमारा पूरा वीडियो ना 10 सेकंड का बन चुका है, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे वीडियो पे कहीं टेक्स्ट लिख देंगे ना, तो वीडियो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसकी वजह से क्या करना है, हमें वीडियो भी अपना बन जाए, अगर हम इस पर ना वॉइस ओवर भी करते हैं ना, तो भी अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक हमारा रिएक्शन वीडियो शूट कर लेना है, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल कैमरा ऑन करने के बाद ना कुछ भी एक नॉर्मल सा रिएक्शन वीडियो शूट कर देना है, जैसे कि ये वीडियो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, वाओ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ये वीडियो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना बहुत ही क्यूट लग रहा है। कुछ इस तरह से ना आपको एक रिएक्शन वीडियो शूट कर देना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे शूट करके रखा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, वहाँ से यहाँ से लेयर पे चले जाते हैं और मीडिया में चले जाते हैं, और जो रिएक्शन वीडियो हमने शूट करके रखा है ना, वो वीडियो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे वो वीडियो आ चुका है। अभी ये ना हम यहाँ पे पूरा ही लगा देंगे ना, तब भी ये वीडियो का पूरा मजा चला जाएगा। यहाँ पे हम अगर ऐसा ही वीडियो लगा देंगे ना, तो इस वीडियो का ना पूरा मजा चला जाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाइए, यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे मास्क ना इसको इनेबल कर दीजिए। अभी ये ना राउंड शेप में दिख रहा है ना, ठीक है, अभी ये राउंड शेप में हो गए, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ना कुछ इस तरह से इसको, अगर आपका डायरेक्ट राउंड शेप नहीं आता ना, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कहीं पर भी सेट होगा ना, तो सिंपल से यहाँ पे राउंड पे सेट करने के बाद ना ये राउंड शेप आता है, ठीक है। और यहाँ से राइट कर दो, ये हो चुका है, ठीक है। अभी इसको ना जहाँ पर भी आपको रखना है ना, वहाँ पर आप इसको ऐसा छोटा करके ना ऐसा यहाँ पे ऐसा रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ना अभी ये आपका खुद का वीडियो होता है, और इसकी और ये वीडियो जो यहाँ से आगे का वीडियो है ना, यहाँ पे वीडियो पे सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे कैच पे सिलेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से ट्रिम टू राइट, हमें यहाँ से इतना वीडियो नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारे जो हमने 10 सेकंड की क्लिप ली है ना, तो इससे बड़ा हो रहा है, इसकी वजह से ना यहाँ से ट्रिम कर देते, ये इस साइड का ना पूरा हट चुका है, ठीक है। अभी हमारे
वीडियो के बराबर हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। जब भी कुछ आप वीडियो में बोलना चाहते हो ना तो अच्छे से बोलो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक फेस भी ऐड हो चुका है और यहाँ से हमारे एक मतलब यहाँ पे वीडियो में हमारे कुछ वैल्यू ऐड हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा फेस भी ऐड हो चुका है। देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा बुरा भी नहीं लग रहा और अच्छा लग रहा है, इसकी वजह से फेस ऐड कर देना, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अभी सॉन्ग ऐड कर देना है आपको, ठीक, म्यूजिक आपको यहाँ से ऐड नहीं करनी, डायरेक्टली यहाँ से आपको क्या कर देना है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक। कोई भी सॉन्ग अगर आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग अपने वीडियो में यूज़ करना है ना, यहाँ से ना आप म्यूजिक ऐड मत करो, वो भी आपको मैं तरीका बता दूंगा कि आप कौन सा भी नया ट्रेंडिंग सॉन्ग अपने वीडियो में कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। उससे आपका वीडियो अच्छा भी दिखेगा और हो सकता है कि वायरल भी हो जाए, क्योंकि म्यूजिक अच्छा लगता है ना तो वीडियो ज़्यादातर लोग ज़्यादा समय तक देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है अभी, इसको ऐसा ही रहने देना है और इसको पूरा डाउनलोड करके लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऊपर के कोने में यहाँ पे क्लिक कर दो, फिर से यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर दो और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट, ठीक है, HD में, 4K में, जितना क्वालिटी में आपको करना है कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट करके लेना है हमें पहले वीडियो, ठीक है, कुछ समय बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारे गैलरी में, ठीक है। वो वीडियो हमारे गैलरी में हमने सेव कर लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमारे यहाँ पे YouTube ओपन करना है दोस्तों, ठीक है। YouTube यहाँ से हमें ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हमारा YouTube हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेंडिंग में जाना है, यहाँ पे ट्रेंडिंग पे आना है, ठीक है दोस्तों। ट्रेंडिंग शॉर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ से आप कोई भी एक वीडियो ले सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 29 मिलियन, 17 मिलियन, 19 मिलियन, 19 मिलियन, यहाँ इसका मतलब ये म्यूजिक ना लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, तो ये चाहे तो आप ये भी सॉन्ग अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। हमने यहाँ से आपको दिखाने के लिए मैंने एक सॉन्ग चॉइस कर लिया, तो यहाँ इस कोने में दिखाई दे रहा ना ये इमेज छोटी सी, तो इस इमेज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे यूज दिस साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ से ना वो साउंड यूज कर सकते हो अपने वीडियो में, तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना ये यहाँ पे देखो आ चुका। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हमारी गैलरी में जाना है यहाँ से, और जो हमने वीडियो बना के रखा है ना तो वो वीडियो हमें यहाँ से ले लेना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा वो वीडियो, तो हमने यहाँ से लेकर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो म्यूजिक हमारा लग चुका है, जितने सेकंड का हमने वो लिया है ना, वो वीडियो ना हमारा यहाँ पे आ चुका है और वो म्यूजिक भी हमारी परफेक्ट तरीके से यहाँ से लग चुके हैं और वो ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल से हमें क्या करना है, यहाँ पे इधर डन कर देना है, वो यहाँ पे वीडियो आ चुका है और वो म्यूजिक भी दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है ना, तो यहाँ पे हमने कुछ वीडियो में जो वॉइस ओवर करते समय हमने कुछ बोला है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि वो दोनों भी आवाज आए, ये म्यूजिक का भी आए और जो हमने बोला है ना वो भी आए, उसके लिए अभी क्या करना है हमें, इस कोने में दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो वॉइस है, ठीक है। ये जो नीचे वाली है ना वो आपने जो म्यूजिक यूज किया है ना तो उसकी है, और ये ऊपर का है ना यूर ऑडियो, तो ये जो आपने बोला है ना आपके वीडियो में तो वो ये है। तो हल्का से यहाँ से क्या करना है, जिस हिसाब से तो इसको ना आपकी आवाज आए इस हिसाब से ना सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ से ना बढ़ाने के बाद ना ये आपका दोनों का भी आवाज आ जाएगा, ठीक है। और इतना करने से ना यूट्यूब तो मतलब ये आपका आवाज ऐड करना, आपका आपका आवाज और आपका फेस ऐड करना इसी वजह से करना पड़ता है, आपका आवाज और आपका फेस ऐड इसी वजह से करना पड़ता है कि यूट्यूब को लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है अपनी वीडियोस में, इस वजह से करना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं अभी करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने बाद ना जैसे आप शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हो ना उसी तरह से यहाँ पे टाइटल और हैशटैग लगाकर इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो बस एक लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।